देशभर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे महादेव की विशेष कृपा मिलती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। पुराणों में महाशिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मंच में पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदर्शनकारी लड़की का नाम अमूल्या लियोना है। बेंगलुरु पुलिस अभी अमूल्या लियोना से पूछताछ करेगी और इसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से एक के बाद एक शहर और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलने के बाद अब वहां के रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया है। प्रयागराज जनपद के तहत आने वाली इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद छिपकी और प्रयागराज घाट के नाम में बदलाव किया गया है। अब ये रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज छिपकी और प्रयागराज संगम के नाम से जाने जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आज से महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना भारत की कमजोरी रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 बार हुए टी20 विश्व कप में 4 बार जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय टीम आज तक कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी, लेकिन इस बार भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीत का भरोसा दिलाया है। एएमयू में पिछले 70 से ज्यादा दिनों से सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज एएमयू के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने कॉलेज से बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। स्टूडेंट्स ने नारे लगाते हुए कहा कि कल लड़े थे बोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। इसके साथ ही संगवाद मुर्दाबाद किनारों के बीच छात्रों ने आजादी के भी नारे लगाए। चीन से मेरठ लौटे एक युवक में कोरोना वायरस के जैसे लक्षण मिले हैं। मंगलवार को उसका सैंपल जांच के लिए दिल्ली की लैब भेजा गया। इससे पहले भी चीन से लौटे 3 लोगों के सैंपल लखनऊ की लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। हालांकि गनीमत रही कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, लेकिन अब इस युवक को लेकर चिंता जताई जा रही है। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। अब नो पार्किंग जोन से किसी भी गाड़ी को उठाते समय वीडियो रिकॉर्ड होगा। गाड़ी उठाते समय सिपाही अपने साथ बॉडी वार्म कैमरा लगाएंगे ताकि पारदर्शिता के साथ ही चालान की व्यवस्था भी की जा सके। बरेली में महाशिवरात्रि और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। दरअसल पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर सभी समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बरेली जिले से वन दरोगा की कार की चपेट में आने से एक किसान की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि वन दरोगा बहराइच ड्यूटी करने जा रहा था कि तभी शहर से लौट रहे किसान की बाइक में दरोगा ने अपनी कार से टक्कर मार दी, जिसके बाद किसान की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर देहात के मंका गांव में दलितों पर हुए हमले को लेकर भीम आरपी ने प्रदर्शन किया। धारा 144 के बाद भी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय में धरना दिया गया, जिसके बाद एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों पर धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते दलितों पर अत्याचार हुआ है। मुरादाबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 गोदाम मालिकों पर 9,58,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल मुरादाबाद के गल्ट शहीद इलाके के असालतपुरा में 7 चमड़ा गोदामों पर नमक का प्रयोग करके जानवरों की खाल संरक्षित कर प्रदूषण फैलाने का आरोप है। कन्नौज के उमरदा इलाके में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। ये खनन सपा कार्यकाल में आवंटित सैकड़ों बीघा क्षेत्र में बने परफ्यूम पार्क में किया जा रहा है। जिला प्रशासक हिनाक के नीचे से खनन माफिया दिन रात धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। वहीं आरोप है कि पुलिस ने भी इस पार्क से मिट्टी खनन किया है। पुलिस की आड़ में खनन माफिया भी जमकर मिट्टी खनन करने में लगे हुए हैं।
बरेली से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक लॉ छात्रा ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वकील और उसके मुंशी पर चैंबर में बंधक बनाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर वकील और मुंशी पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बलिया में आज कलेक्टर परिसर में वित्तविहीन शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा गया। शिक्षक यूपी सरकार के चौथे बजट में भी वित्तविहीन शिक्षकों को कुछ न मिलने से नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक और ट्रंप आगरा में ताज का दीदार करेंगे, तो वहीं यमुना नदी को भी स्वच्छ करने की जुगत में तेज हो गई है। यमुना को निर्मल और स्वच्छ दिखाने के लिए यमुना में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब ये पानी बुलंदशहर के गंग नहर में पहुंच चुका है और गंग नहर के रास्ते होते हुए ये पानी यमुना तक पहुंचेगा। लखनऊ में आरक्षण को बीएसए फोर ने पैदल मार्च किया है। इस मार्च में पूर्व मंत्री आर के चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इधर पैदल मार्च परिवर्तन चौक से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक निकाला गया। बैनर पोस्टर और तिरंगा हाथ में लेकर यह पैदल मार्च निकाला गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नकल मुक्त कराने का दावा योगी सरकार करती आ रही है और इसी बात की हकीकत जानने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खुद बाराबंकी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हैरान रह गए। दरअसल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का सर्वर गायब मिला। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मऊ में पेपर आउट होने के मामले में तीन सेटों में से दो फेक पाए गए हैं, जबकि एक सेट पेपर कोर्ट सही पाया गया। मामले में पुलिस ने दो शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पेपर आउट होने के चलते जनपद के 69 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सहारनपुर में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात करने वाले पांच छात्र लुटेरों को गांव साधारण सिर मील रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की दो ट्रैक्टर ट्रॉली, तीन देसी तमंचे, कई जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया। काशीपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आगामी दिनों में उत्तराखंड से जो हो रहे पलायन, प्रदेश की समस्त नदियों को प्रदूषण मुक्त करने, बीएड के छात्रों को छात्र संघ चुनाव में मतदान करने, सरकार द्वारा जारी योजना होमस्टे को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। चार साल पहले कोलकाता की एक महिला को फेसबुक पर एक युवक से प्यार हुआ था। 16 तारीख को युवक ने महिला को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन युवक तीन दिन बाद महिला को खाने में नशीला पदार्थ देकर फरार हो गया। महिला ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बागपत के थाना दोघट इलाके के मंगरोली गांव में इन दिनों किसान दहशत में है। किसानों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से खेतों में तेंदुआ देखा जा रहा है, जिसे कई बार ग्रामीणों का सामना भी हो चुका। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द वो तेंदुआ पकड़ ले। कोतवाली कासगंज में आज एआरटीओ ने प्राइवेट एम्बुलेंसों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान एआरटीओ ने नगर के नदराई गेट स्थित निजी चिकित्सालय से एक दर्जन एम्बुलेंसों के चालान काटे, साथ ही तीन एम्बुलेंसों को सीज भी किया। एआरटीओ की कार्रवाई से प्राइवेट एम्बुलेंसों में हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में निरीक्षण के लिए जा रहे डीएसपी सिटी राजेश कुमार सिंह की गाड़ी पर गिरा पेड़। इस हादसे में डीएसपी और गाड़ी में सवार लोग बार बार बच गए। गाड़ी में ड्राइवर, गनर और सीओ सिटी राजेश कुमार भी मौजूद थे। कांवड़ियों की व्यवस्था देखने के लिए छपकौली मंदिर जाते वक्त यह हादसा हुआ। संभल पुलिस की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। संभल एसपी वहां से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी मुस्लिम समाज द्वारा लगाए गए स्वागत पंडाल के सामने। इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं।
मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में पशुओं से लदी पिकअप गाड़ी ट्रक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में लदे 8 पशुओं को मुक्त कराया, जिसमें से 2 पशुओं की मौत हो चुकी थी। मौके से तस्कर फरार हो चुके थे। तस्कर खाली कैरेट के बीच में पशुओं को छिपाकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पीलीभीत के अमरिया थाना इलाके में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र के टुरियार गांव में बिजली विभाग का कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए गया हुआ था। वहां एक शख्स का मीटर बिल अधिक होने की वजह से होल्ड पर था। शख्स ने मीटर चालू करने को कहा, लेकिन कर्मचारी ने मना कर दिया, जिसे गुस्साए शख्स ने कर्मचारी पर बेटे के साथ मिलकर हमला कर दिया। खटीमा के चकरपुर में स्थित पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर परिसर में उत्तराखंड की सबसे बड़ी शिव मूर्ति का निर्माण हो रहा है। पिछले 3 वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 116 फीट के करीब है। मूर्ति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सूबे में बोर्ड एग्जाम में सख्ती के बावजूद भी नकल पर लगाम नहीं लग पा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नकल माफियाओं की नकल कराने की खबरें सामने आ रही हैं। इस कड़ी में अब बलिया का नाम भी जुड़ गया है। बलिया में नकल माफियाओं ने इंटरमीडिएट का 346 स्कोर का पेपर आउट किया। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के नंद प्लाजा में एक मोबाइल शोरूम में 2 गुटों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और चाकू चले। चाकू लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तरफ जहां सरकार शिवरात्रि के पर्व पर भक्तों को गंगाजल उपलब्ध कराएगी, तो वहीं दूसरी तरफ गंगाजल की बिक्री से होने वाली आमदनी से देश का खजाना भी भरेगा। फतेहपुर के थरियाव थाना के लतीफपुर गांव में 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि घर की नाली की सफाई लोहे के सरिये से कर रहे थे कि तभी सरिया ऊपर उठाते वक्त 11,000 लाइन से टच हो गया। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जो शख्स हर्ष फायरिंग कर रहा है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खुर्चा विधायक विजेंद्र खटीक का बेटा है। महोबा में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पट्टा तिराहे का मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक मकान में छापा मारा, तो घर से एक शराब बनाने के उपकरण समेत भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। इसके साथ ही शराब की बोतल, रैपर, बारकोड और स्टिकर भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मिर्जापुर के जवालपुर थाना क्षेत्र में इंटर में पढ़ने वाले एक छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र अमित जायसवाल यूपी बोर्ड का परीक्षा दे रहा था, इंटरमीडिएट में था। पिछले वर्ष छात्र केमिस्ट्री विषय में फेल हो गया था। महोबा जिले में महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग के जरिए आर्थिक समृद्धि का जो सपना देखा था, वो अब आखिरी सांस ले रहा है। बुनकरों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल ही नसीब हो पा रही है। हाल ये है कि ये कारीगर 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। हमीरपुर के थाना विवार इलाके में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। थाने से चंद कदम की दूरी पर ही शराबियों में मारपीट होती रही। पुलिस ने मौके में पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। हापुड़ से रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में एक मां ने 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव घर में रखे संदूक में बंद कर दिया। मृतक के चचेरे भाई ने बच्चे की सौतेली मां पर बच्चे की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
जालौन प्रशासन ने अवैध गुटखा बनाने वाले माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। एटीएम जालौन प्रमिल कुमार सिंह ने जिला खाद्य अधिकारी और पुलिस के साथ एक घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध गुटखा, तंबाकू, सुपारी, केमिकल और गुटखा बनाने और पैकिंग करने वाले मशीनें भी बरामद की। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जिसे शिव कचहरी के नाम से जाना जाता है। इस अनूठे शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ जज के रूप में विराजते हैं। माना जाता है कि मंदिर में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कर्मों का फल देते हैं। खास बात यह है कि यहां पर 1-2 नहीं बल्कि 307 के करीब शिवलिंग है। विधिक कार्रवाई कार्य बल की बैठक में भले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया हो, लेकिन फिर भी इसे इमरान खान सरकार के लिए राहत नहीं माना जा रहा है। पाकिस्तान को जून 2020 तक शर्तों को अमल में लाने की राय दी गई है, नहीं तो उसके ब्लैकलिस्ट हो जाने की आशंका बेहद ज्यादा है। पाकिस्तान ने इस मीटिंग में कहा है कि भारत ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया है कि यूएन द्वारा घोषित 130 आतंकी सरंगना पाकिस्तान में मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के लिए अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो खरीदने का फैसला किया है। सीसीएस ने बुधवार को $2.6 बिलियन के इस सौदे की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान इस सौदे पर मुहर लग सकती है। आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल का दीदार करने आएंगे। उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। शासन स्तर से हर विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला जहां से भी गुजरेगा लाइव सीसीटीवी से उनकी निगरानी की जाएगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट की लाइव निगरानी के लिए प्रस्तावित रूट पर लगे सभी कैमरों को कंट्रोल रूम और स्मार्ट सिटी कार्यालय से जोड़ दिया गया है। ताजमहल के आसपास बने मकानों पर पुलिस नजर है। ताज के सभी गेटों के साथ बाजारों में भी पुलिस तैनात है। कट कॉपी और पेस्ट, कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति इस टर्म से वाकिफ होगा। कट कॉपी पेस्ट को जिन्होंने इन्वेंट किया वो शायद स्टीव जॉब्स जितने पॉपुलर तो ना हो सके, लेकिन उनका योगदान अहम है। कट कॉपी पेस्ट तकनीक के जन्मदाता का आज निधन हो गया। इस साइंटिस्ट का नाम लैरी टेस्लर था। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने शहनाज गिल और पारस छाबड़ा के शो मुझसे शादी करोगे पर कॉपी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बॉलीवुड की मशहूर फैशन फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने अपना 2020 का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। उन्होंने अलग अलग सेलिब्रिटीज का फोटोशूट किया और सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सभी फोटोज में जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ है वो कियारा आडवाणी का बोल्ड फोटोशूट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बेसिन रिजर्व मैदान पर शुरू हो चुका है। दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट जीतकर बढ़त बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगी। दोनों टीमें 3 साल बाद आमने सामने होंगी। पिछली बार भारतीय टीम ने अपने घर में सितंबर 2016 में न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। टी20 और वनडे सीरीज के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने सामने होंगी। पहला मैच शुक्रवार 21 फरवरी में वेलिंगटन में खेला जाएगा। इसी बीच भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। रहाणे ने कहा है कि ऋषभ पंत को स्वीकार करना होगा कि वो खराब दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें बतौर क्रिकेटर बेहतर होने पर फोकस जारी रखना होगा। भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच से पूर्व न्यूजीलैंड के कप्तान कीन विलियमसन ने विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कीन विलियमसन ने मैच से एक दिन पहले कहा कि भारत के कप्तान विराट कोहली मौजूदा समय में तीनों प्रारूपों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। उन्होंने साथ ही भारतीय तेज गेंदबाज की आक्रामक की भी तारीफ की है।